और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वो डेस्क मैं पहले भी बताया था कि ये आपके बिजनेस को ग्रो करने की, कोई भी आपकी कंपनी है उसके रिगार्डिंग आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करना चाहते हैं ई कॉमर्स और लाइक अदर्स प्लेटफॉर्म का, तो वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो डेस्क आपका बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। तो वो डेस्क असल में क्या है, वो डेस्क इज ए CRM टूल्स है, CRM टूल्स है। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स है। ओके तो ये क्या करते हैं कि कस्टमर की जितने भी डाटा है सब कुछ कलेक्ट करता है, हर एक्टिविटीज में कस्टमर जो भी एक्टिविटीज इंटरनेट के साथ करते हैं सारा कुछ कलेक्ट करते हैं, ये वो डेस्क जो हमारा प्रोडक्ट है सारा कुछ कलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ उसके आपके बिजनेस के थ्रू आप बिजनेस को कैसे ग्रो कराना चाहेंगे तो उसके रिगार्डिंग वो बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले वो डेस्क को हम अगर जानना चाहेंगे तो दोस्तों ऐसे करके प्रेजेंटेशन देने की कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सबसे पहले हमें ये जानना है कि CRM आप सभी जानते हैं वो डेस्क कंप्लीट AI powered CRM टूल है। व्हाट इज CRM दोस्तों, यही तो मतलब कि प्रॉब्लम है, मतलब जो प्रॉब्लम पहले आता है वही प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना चाहिए। और वो डेस्क को अगर हमें जानना है तो यस ऑब्वियसली हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज CRM, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन अभी आ चुके हैं। हम अगर CRM को जानेंगे तो हम मतलब कि लॉजिकली एथिकली मोरली एंड फंडामेंटली वो डेस्क को समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके। ओके तो चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसे कहते हैं और मार्केट पर अभी अवेलेबल है तो मतलब किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पर यूज होता है, तो इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज CRM। इससे जानने के पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, छोटा सा एग्जांपल, टेक्निकली नहीं एज ए फिजिकली, टेक्निकल चीज़ों को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले फिजिकली उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ओके तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे सुभाष नारायण सर मतलब कि एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक है, मतलब कि उनका दुकान है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके तो मान लीजिए ऐसा कि सुभाष नारायण सर का एक दुकान है, तो आप मतलब कि उस दुकान के आसपास ही रहते हैं और दूर से आप गौर करते हैं कि सुभाष नारायण सर मतलब कि काफ़ी सारा कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड लाइक कैसे कि आप जब पता करते हैं कि इतना सारा टाइम स्पेंड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं सुभाष नयन सर, उनका तो दुकान है एक्चुअली स्टोर है तो उनको तो चलाना पड़ेगा, तो ये नहीं चलाकर मतलब कि कस्टमर के साथ इतने देर से क्या बातचीत और क्या टाइम स्पेंड हो रहा है। ओके तो मान लीजिए कि रहन सर मतलब कि दुकान के आसपास से ये सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं तो देख रहा है सुभाष नयन सर मतलब कि एक कस्टमर आया तो उसको नाम से पुकारा कि लालावट सर या फिर जाहिद सर, जाहिद जी या फिर लालावट जी आप कैसे हैं, आपका फैमिली कैसे है और सुनाइए क्या हालचाल है अभी, तो ये सारा कुछ पूछ रहा है। और साथ ही साथ जब दुकान के पास आते हैं तो उसको बोलते हैं कि कुछ चाहिए आपको, तो अगर चाहिए है तो पहले से ये मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि अगर नाम पहचानते हैं, नाम जानते हैं और फैमिली की रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं तो यस सुभाष नारायण सर पहले से ये मॉनिटर करके रखा है कि मेमोराइज करके रखा है कि कौन से प्रोडक्ट लालावट सर मतलब कि पसंद करते हैं, तो प्रोडक्ट निकल कर दिया और लालावट सर मतलब कि ले लिया। लेने के बाद सुभाष नारायण सर और भी देखा कि न्यू प्रोडक्ट और भी है ग्रोसरी स्टोर पर। ओके तो ये साजिश भी करते हैं कि लालावट जी आप ऐसा करिए कि ये न्यू प्रोडक्ट आया है तो आप ऐसा करिए कि ये प्रोडक्ट भी मतलब कि इस्तेमाल करके देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या है असल में, सुभाष नयन सर क्यों लालावट सर से इतना बातचीत कर रहा था, ये क्या है रिलेशनशिप। लालावट सर कस्टमर है
बिजनेस सुमार शेयर करते हैं, राइट। और इसके बीच जो बातचीत चल रहा है, लाला भट्ट जी आपकी फैमिली कैसे है, या फिर आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ये प्रोडक्ट नया आया है तो उसे ट्राई करिए, मुझे लगता है बेनिफिट्स होगा आपको, ये जो बातें उनसे चल रहा था। ये क्या है कि एक बिजनेस और कस्टमर के बीच रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं सुभाष नायर सर। और क्यों कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस के लिए कस्टमर बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कस्टमर अगर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस कैसे, ओके। तो आप देखिए कि जो लोग, मतलब कि जो लोग को पहले से ही पहचानता था सुभाष नायर, उसे तो मतलब के नाम से नाम लेकर बुला रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो लोगों को नहीं पहचानते उन लोगों को कस्टमर बनाने के लिए क्या करते हैं, हेलो भैया जी इधर आइए, आपको कुछ चाहिए क्या, आपका घर कहाँ है, या फिर अदर्स बातें करते हैं कस्टमर के साथ। ये क्या कर रहा है कि ये वो जो कस्टमर सामने से गुजर रहा जा रहा था दूसरे दुकान, दूसरे स्तर पर, तो उसे क्या करना चाहते थे कि रिलेशन क्रिएट करना चाहते थे कि ताकि वो मेरा बिजनेस के साथ, मतलब कि सुभाष नयन सर के बिजनेस के साथ, मतलब कि कनेक्टेड हो और जो भी ले सुभाष नयन सर की दुकान से ही ले, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर जो आपके पास जो कस्टमर है उसको तो आप डिस्कवर कर करते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन जो नया है उससे भी आप रिलेशनशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग टर्म्स में अगर देखा जाए, मार्केटिंग टर्म्स में, तो मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए एक्चुअली कस्टमर किंग होता है, किंग, राजा, आप सभी जानते हैं। और बिजनेसमैन, उसके पास बहुत सारा, मतलब कि प्रोडक्ट्स है, या फिर पैसा बना चुके हैं, या फिर रेवेन्यू है, फिर भी बिजनेसमैन जाहिद सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। यस सर, यस सर, हेलो, मुझे सुन सकते हैं आप? ओके सर, हाँ सर, आ रहे हैं। क्या बताऊँ सर, मतलब कि लोड शेडिंग चल रहा है, तो अभी सडनली वाईफाई लाइन कनेक्टेड हो गया, इसलिए मोबाइल नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मतलब कि आवाज नहीं आ रहा। तो मुझे जरा बताएंगे मैं कहाँ पर था एक्चुअली? अननोन कस्टमर, वहां से आप सुन नहीं सकते, सुन नहीं पाए? यस, वहां से आप दोबारा बोलिए तो मतलब रिव्यू भी हो जाएगा। यस यस यस, जो अननोन कस्टमर है एक्चुअली, जो दुकान के पास से गुजर जा रहा था, तो उसे भी पूछा जा रहा था कि भैया जी हमारा दुकान पर आइए, क्या चाहिए आपको, आप कहाँ से है, या फिर आप कहाँ पे जा रहे हैं। जो कोशिश एक नया कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर लाने के लिए, तो ये भी आप कर रहे हैं, मतलब कि नया के साथ पुराना जो है उसको तो आप डिस्कवर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, साथ ही साथ मतलब कि जो नया कस्टमर है उसको भी आप मतलब कस्टमर बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो कराने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है कि आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग टर्म्स में, जितने भी मार्केटिंग टर्म्स है, आप जानते हैं कि मार्केटिंग के लिए हर एक कस्टमर किंग होता है, लाइक राजा, ओके, हर एक कस्टमर किंग होता है। हालांकि आपके पास बिजनेस है, बहुत सारा आप अच्छा खासा मतलब कि लाइफ में कमा चुके हैं, और आपकी लाइफ मतलब कि शानदार कट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हर एक कस्टमर किंग की तरह है, राजा की तरह है, क्योंकि आप उनसे मतलब कि आप लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, उठा रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप, इसे मैनेजमेंट करना, ये जो आप मैनेजमेंट करते कर रहे हैं सुभाष नयन सर, मतलब कि अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक कस्टमर पुराना जो कस्टमर है उसे नाम लेके बुलाते हैं कि लाला भट्ट जी आइए, आपको कौन सा सामान चाहिए, आपका फैमिली कैसा है, और जो नया कस्टमर दुकान के सामने से गुजर रहे हैं उसे भी मतलब कि इन्वाइट कर रहे हैं कि भैया जी आपको क्या चाहिए, आप इधर आइए, आप कहाँ से हो, ये रिलेशन बनाने की तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की। तो ये क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कर रहे हैं सुभाष नयन सर,
यही है एक्चुअली, यही है CRM, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और अगर इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको चाहिए, अगर इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आपको चाहिए, तो ऐसे तो आप मतलब कि मुंह से बोलकर तो नहीं पाएंगे ना। ओके, तो इसके लिए टेक्निकली सारा चीज को आपको जानना चाहिए। तो एग्जांपल से क्या जाना आपने, कि ये जाना कि CRM एक अप्रोच है जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो आपका कस्टमर है उससे रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। और जो आपका कस्टमर है तो उनको मतलब कि कैसे, जो आपका कस्टमर नहीं है उनको कैसे आपको कस्टमर बनाया जाए, आपका कस्टमर मतलब कि क्रिएट किया जाए, इसके लिए भी आप मार्केट कैंपेन्स कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट कैंपेन्स और ये जो सारा कुछ है, ये फिजिकल लाइफ में होता है कि फिजिकल लाइफ में कोई भी एक बिजनेसमैन फिजिकली जब बिजनेस करते हैं तो ये सारा कुछ एक्टिविटीज करते हैं। और ये जो मैं बताया ये फिजिकली डेफिनेशन है CRM का। और चलिए इसे थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। ओके, टेक्निकली समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि CRM एक टूल है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कस्टमर का, ओके, कस्टमर प्रोस्पेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, ओके, जो प्रोस्पेक्ट कॉन्टैक्ट है, प्रोस्पेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है कस्टमर का, जो आइडेंटिफाई सेल्स अपॉर्चुनिटीज है, जो रिकॉर्ड सर्विस इश्यूज है, ओके, एंड मैनेज मार्केट कैंपेन्स ऑल इन द मतलब कि सेंट्रल लोकेशन, ऑल इन द सेंट्रल लोकेशन, मतलब कि एक ही लोकेशन के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो एक्टिविटीज मैंने बोला आपको, प्रोस्पेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जितने भी कस्टमर है वो कौन से कॉन्टैक्ट से आप मतलब कि उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या फिर वो कौन से कॉन्टैक्ट से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर मतलब कि आइडेंटिफाई सेल्स अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि वो जो कस्टमर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, लाइक वो सेल्स कंपनी एक करते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को लेता है और वो प्रोडक्ट को खरीदता है, ये आइडेंटिफाई करता है सेल्स अपॉर्चुनिटीज को, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, रिकॉर्ड सर्विस इश्यूज, जो भी रिकॉर्ड्स सेल्स के रिगार्डिंग, मार्केटिंग की रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होते हैं कस्टमर के साथ, वो रिकॉर्ड्स को मतलब कि अच्छी तरीके से स्टोर करना, यही है एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर को काम, इस सॉफ्टवेयर का काम है, मतलब कि एवरी एंड मेक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी कस्टमर डेटाबेस, स्टोर द टूल, ये टूल एवरी कस्टमर का डेटाबेस स्टोर करता है इस सॉफ्टवेयर। ओके, जब सॉफ्टवेयर ये सारा कुछ स्टोर करते हैं, तभी तो मतलब कि ये डाटा से हम इंटरनेट के तौर पर हम किस से मतलब कि पता करें कि कौन क्या चाह रहे हैं। सपोज आप समझ लीजिए कि आप जब एक आप ये देखे होंगे कि अमेजन पर आपने एक प्रोडक्ट के लिए सर्च किया, और नेक्स्ट जब आप अमेजन के पास गया तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कि आपने जो सर्च किया वो जो डेटाबेस पूरा इंफॉर्मेशन आपका, ये यही टूल्स, कौन से टूल्स, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यही टूल्स आपका मतलब कि सारा कुछ डाटाबेस कलेक्ट करके रखा है और उसके रिगार्डिंग आपको ये सारा कुछ मिल रहा है। ओके, तो और दोस्तों मैं पहले ही बताया था कि छोटा मोटा काम के लिए नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा, लाइक ये छोटा मोटा कोई डोमेन के लिए कोई ऐसे नहीं करता है। एक कौन सा कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि CRM मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यूज करते हैं, कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है? मैं अगर बताऊँ तो आज की डेट पर आप देखिए गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक,
एक ही कंपनी है लेकिन मतलब कि पहले अलग सा था, ओके, फेसबुक और व्हाट्सएप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ये जो बड़ा बड़ा बिगेस्ट बिगेस्ट कंपनी है, और ये मतलब कि टूल्स को यूज करते हैं, और ज्यादातर इसे ई कॉमर्स साइट पर ही यूज होता है, इस टूल्स का ज्यादातर ई कॉमर्स साइट पर यूज होता है, ओके तो यस, मुझे लगता है कि आप लोग टेक्निकली और मतलब फिजिकली दोनों चीज समझ गए होंगे कि ये CRM क्या है, कि शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलूं तो CRM आपकी बिजनेस या फिर कंपनी ग्रो करने के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए एक टूल है आप बोल सकते हैं, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अगर बिजनेस करना है तो इसे आपको मतलब कि इस टूल को आपको लेना है, और सारा कुछ इंटरनेट का बिहेवियर, एक्टिविटीज, कस्टमर के साथ कम्युनिटीज या फिर ऑटोमेशन जो हम बात कर रहे हैं बातों ऑटोमेशन, ये सारा कुछ एक्टिविटीज अगर इंटरनेट के दौर पर करना है तो ये टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। मीन्स आप समझ लीजिए कि CRM यानी ऑडेस्क, आज तक के जितने भी CRM टूल्स है, ये जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, हालांकि ये बात सही है कि ये टूल्स AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा परफॉर्म नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो ओडेक्स आने वाले है ये कंप्लीट AI पावर्ड है, कंप्लीट, ओके। तो चलिए CRM के बारे में मतलब कि और भी मैं बताना चाहूंगा, आप से ये समझ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ CRM को एम के तौर पे, वहां पर आप ओडेस को लगा लेंगे, तभी आप ओडेस की जो मैं बता रहा था सबसे पहले कि लॉजिकली, एथिकली, मोरली, फंडामेंटली सब कुछ आप समझ जाएंगे कि ओडेस असल में है क्या और किस तरह की से काम करेंगे, ओके। तो मैं आप बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ CRM का कितने टाइप्स होते हैं, ओके। तो ज्यादातर हम एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा इस टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों हम ज्यादातर फाउंडर्स मतलब कि टेक्निकल वॉइस से नहीं है, और जब कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है या फिर टेक्निकल बातें हम सुनते हैं, हमें लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, और हम पहले से ही ये माइंड सेट के अंदर लेकर बैठते हैं सुनने के लिए, तो क्या होता है कि काफी सारा बात आपके माइंड के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि आपके माइंड पहले से ही कैस करके ये बैठा है कि ये जो टेक्निकली पार्ट है तो ये बहुत क्रिटिकल है, तो क्रिटिकली नहीं, मैं सिंपल वे से आपको समझाऊंगा, ओके, आप समझने की प्रयास करेंगे इससे पर से। और हालांकि टेक्निकल बातें है, जब इंटरनेट की ऐसा कोई बातें आ जाते हैं तो हर एक बात हम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं सबको सजेस्ट ये करूंगा कि यूट्यूब पर इसे एक बार, दो बार, चार बार देखें, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके रिगार्डिंग नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है, ये ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को द्वारा वो डिस्क प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ यही वो डेस्क है, ओके। तो यस, जो मैं बोल रहा था कि टाइप्स ऑफ CRM असल में इनका टाइप्स कितना है, तो मैं पहले जो टाइप्स लेना चाहूंगा, थ्री टाइप्स ऑफ CRM मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पहले जो है ऑपरेशनल CRM, दूसरा एनालिटिकल CRM, तीसरा कोलैबोरेटिव CRM। तो आपने जो ये सुना ये सिंपल से समझने की कोशिश करिए, मतलब कि ऑपरेशनल ये कैसा एक बात, ओके, ऑपरेशनल पता नहीं ये क्या है, एनालिटिकल पता नहीं ये क्या है, ऐसा समझना नहीं है, ये सिंपल सा है। ऑपरेशनल क्या है कि आप बिजनेस की रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन करते हैं, आपकी कंपनीज की रिगार्डिंग आप जो भी ऑपरेशन करते हैं ग्रो करने के लिए, वही है ऑपरेशनल CRM। एनालिटिकल CRM क्या है, जो आप एनालिटिक्स करते हैं, सॉरी एनालिसिस करते हैं कस्टमर के डाटा को लेकर, ओके, यही है एनालिटिकल CRM। और कोलाबोरेटिव CRM कौन सा है, जो कि कोलाबोरेटिव, आप समझ सकते हैं कि कोलाबोरेटिव मतलब कि
बहुत सारे एक साथ कम्युनिकेट आप कह सकते हैं, एक साथ कनेक्टेड आप कह सकते हैं, मल्टीपल मतलब कि टीम के साथ कनेक्टेड आप कह सकते हैं ऐसा। तो चलिए ऐसे डिटेल में जानते हैं कि पहला जो मैंने बताया कि ऑपरेशनल सीआरएम एक क्या है, जो आपकी बिजनेस है, ओके, जो आपकी बिजनेस है, आपकी बिजनेस के थ्रू आपका ऑपरेशन जो भी आप करते हैं, लाइक ऑपरेशन मीन्स डे टू डे मार्केटिंग, डे टू डे मार्केटिंग करने के लिए आप ऑपरेशन करते हैं, सेल्स, सेल्स के लिए आपकी कंपनी की, आपकी बिजनेस की रिगार्डिंग सेल्स के लिए आप मतलब की ऑपरेशन करते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए भी आप ऑपरेशन करते हैं। और ये जो मतलब की टाइप्स है ये फुल्ली ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन पर काम करते हैं, फुल्ली ऑटोमेशन, ओके। तो चलिए जानते हैं कि असल में सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस कैसे मतलब कि ऑटोमेशन पर काम करते हैं। पहले जो मैं नाम लिया सेल्स ऑटोमेशन, तो ये सीधा सेल्स प्रोसेस मतलब कि सेल्स जो प्रोसेस है फॉर ऑल द कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, सीधा सेल्स प्रोसेसेस और ऑल कंपनीज, जितने भी कंपनीज है उसका सेल्स डिपार्टमेंट के साथ मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं, ओके, सॉरी, इन्वॉल्व होते हैं। आप समझ गए होंगे कि सेल्स प्रोसेस फॉर ऑल द कंपनी, सभी कंपनीज के लिए सेल्स डिपार्टमेंट के साथ सीधा इन्वॉल्व है, ओके, और ये ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग करते हैं कॉन्टैक्ट, प्रोस्पेक्ट, अपडेट स्टेटस को मतलब कि क्वालिफाइड करते हैं, ओके। और सेल्स के रिगार्डिंग जितने भी डाटाबेस, सेल्स के रिगार्डिंग जितने भी डाटाबेस है उसे कंपनी स्टाफ्स को देते, कंपनी स्टाफ्स को, ताकि क्या कर सके कि सेल से जितने भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना है वो और भी बेहतर तरीके से, और भी बेहतर तरीके से मतलब कि कस्टमर के साथ उसे उस सेल्स की रिगार्डिंग हो सकता है, अलग सेल्स की रिगार्डिंग हो सकता है, अलग प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग उससे मतलब कि कस्टमर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते, ओके। और ये सारा कुछ क्या होता है कि ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेशन होता है इस टूल्स के जरिए। नेक्स्ट मैं बात किया था मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है, क्या आप मार्केटिंग ऑटोमेशन जो भी आप मार्केटिंग करते हैं लाइक मोनोटोमांस एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क जो होता है ना उसके ऊपर काम करते हैं। टास्क लाइक क्या टास्क है, जैसे कि कॉलिंग कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना, या फिर ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स कैंपेन्स, जो ईमेल के थ्रू कस्टमर को कैंपेन्स करना मार्केटिंग के, ओके, डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग सब्सटेंस ऑफरिंग, जो ऑफर होता है ऑफरिंग उसे भी कस्टमर को मतलब कि ऑटोमेशन की तरफ पर देना, ये सारा कुछ ऑफर आपको दिखता है जो भी आपकी वीडियो आपको इंटरनेट के साथ काटता है। लाइक आप एक वेबसाइट पर गए, वो ई कॉमर्स साइट था और आपने प्रोडक्ट देखा, तो ये क्या किया कि आपके मेल पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने डाला है वहाँ पर लाइक विजिट करने के लिए या फिर रजिस्टर के लिए समझ लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या आता है कि आपकी मार्केट कैंपेन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए आपको साजिश किया जाता है, ओके। तो साजिश के साथ क्या किया जाता है, वहाँ पर आपको बहुत सारा ऑफर्स मतलब आप ऐसा करिए तो ऐसा मिल सकता है, ऐसा करिए तो ऐसा मिल सकता है, ये जो ऑफर्स आपको दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑटोमेशन पर मार्केटिंग कैंपेन रिगार्डिंग होते हैं, लाइक कोड है, ओके। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ एग्जांपल, आप समझ लीजिए कि रायन सर अगर अमेजोन यूज करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, और मैं भी फ्लिपकार्ट यूज करता हूँ, तो हम दोनों जब एक साथ जुड़े हैं तो हम दोनों दूसरे दोनों के डिवाइस से फ्लिपकार्ट को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम दोनों को ये देखने को मिलता है कि रायन सर की जो फ्लिपकार्ट की होम पेज, होम इंटरफेस है वो अलग सा प्रोडक्ट रायन सर को साजेस्ट किया गया है, होम इंटरफेस अलग सा दिख रहा है,
और मेरा जो होम इंटरफेस है इंटरफेस है ये अलग सा दिख रहा है, ये जो कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? रायन सर के लिए अलग सा क्यों? हम तो दोनों ही मतलब कि फ्लिपकार्ट को एक ही साथ लॉग इन किया है, एक्सेस किया है, लेकिन अलग सा क्यों क्यों हमें साजिश किया जा रहा है? यही मार्केटिंग ऑटोमेशन की कमाल है। ओके, ये आपकी सर्चिंग बिहेवियर या फिर आपकी ऑर्डर्स जो आपने ऑर्डर्स किए थे या फिर आप जो ऑर्डर्स को रिटर्न किए थे या फिर आप जिसको सर्च किया उसके रिगार्डिंग ही आपको साजिश करते हैं। तो कैसे साजिश कर पाते हैं? ये जो सारा डाटा आप जो जिस टाइम जो एक्टिविटीज उनके साथ कर रहे हैं वो सारा डाटा CRM यानी इस टूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और यही से सारा एक्टिविटीज ऑटोमेशन पर होता है। ओके, नेक्स्ट मैं बोला था कि सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस ऑटोमेशन क्या है? कस्टमर सर्विस हम सीधा बोल सकते हैं। ओके, लाइव चैट, जैसे कि वेबसाइट आप जाते हैं तो वहां पर आप लाइव चैट देख पाते हैं AI के थ्रू। ये कहाँ से होता है? यही से होता है। ओके, आप चैट बोर्ड देखते हैं या फिर FAQ या फिर ब्लॉग्स देखते हैं उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, उस वेबसाइट की रिगार्डिंग। तो ये सर्विस ऑटोमेशन है, कस्टमर सर्विस समझ लीजिए। दूसरा जो टाइप्स मैं बताया था, एनालिटिकल सीआरएम क्या है कि ये जो सीआरएम में पहले बताया आपको, ये क्या करता है कि ये तो पर पेज पर आकर काम करता है, फॉन्ट मतलब कि सबको दिखता है। जो ऑटोमेशन पर आपको साजिश किया जाता है आपको सब सभी कस्टमर को दिख पाता है, वो फ्रंट पेज पर आकर काम करते हैं। और ये जो एनालिटिकल सीआरएम है ये बैकएंड पर काम, बैकएंड, ओके, बैकएंड पर काम करते हैं। यानी इसे क्या होता है कि एनालिटिकल सीआरएम से यूज ऑफ डेटा कलेक्ट होता है। आप बोल सकते हैं कि गैदरिंग डेटा, ओके, डेटा का गैदरिंग। हम फ्रेंड लोग जैसे गैदरिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर हम के थ्रू जब वेबिनार पहले स्टार्ट होते हैं तो हम गैदरिंग करते हैं। तो ये जो डेटा एक्चुअली गैदरिंग के थ्रू, डेटा मीन्स वो डेटा नहीं जो मोबाइल डिवाइस पर हम इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं, ये डेटा नहीं। डेटा मीन्स मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही डेटा है जो इंटरनेट के साथ आप कर रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज रहा है वो मैसेजेस जो आप भेजा वो मैसेज भी आपका डेटा है। ओके, तो ये जो आपका गैदरिंग डेटा है उसे मतलब कि कलेक्ट करते हैं और मल्टीपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर, मल्टीपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करते हैं। ओके, एनालिटिकल सीआरएम कस्टमर का गैदरिंग डेटा से स्टडी करते हैं। लाइक स्टडी किसे बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टडी करते हैं और उससे क्या करते हैं कि हर कस्टमर का पैटर्न्स और ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स चल रहा है। आप जो डाटा से इंटरनेट के साथ बीप कर रहे हैं तो आपका पैटर्न्स क्या है? एक कस्टमर जो मतलब कि हर ई कॉमर्स साइट पर एक प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं तो मेरे ई कॉमर्स साइट पर एक कस्टमर ने नहीं आया, फिर भी मैं इस टूल से उसका डाटा मतलब कि कलेक्ट कर पाया हूँ तो मैं उसका पैटर्न रीड कर सकता हूँ। पैटर्न मतलब कि मीन्स ये इसके रिगार्डिंग ही चल रहा है। ओके, तो ये उस पैटर्न के थ्रू मैं कोई भी साजिश कर सकता हूँ अपनी साइट से, अपनी ई कॉमर्स साइट से, मतलब कि रिश्ते जमना कस्टमर के साथ उसका पैटर्न्स देखकर। फिजिकली तो हम ऐसे ही बोलकर मतलब कि बातें करके उसे कन्विंस करते हैं, लेकिन जब बात आते हैं डिजिटली तो हम बातें करके तो कन्विंस नहीं कर सकते। कैसे कन्विंस करना पड़ता है कि उसका पैटर्न्स रीड करके और उसका ट्रेंड, क्या ट्रेंड उसके साथ चल रहा है, एड रीड करके मतलब कि उसको हर डाटा को एनालिसिस करके हम मतलब कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वही से उनको हम सजेस्ट करते हैं। लाइक जो कॉन्टैक्ट इन्फो या फिर फीडबैक से आप ले सकते हैं। ओके, हेल्प करते हैं एक्चुअली जो एनालिटिकल सीआरएम है ये हेल्प करते हैं मार्केटिंग और सेल्स के लिए। जो ऑटोमेटेड मैं आप लोगों को बताया था कि मार्केटिंग ऑटोमेशन और सेल्स ऑटोमेशन, तो ये हेल्प करते हैं। ओके,
तो ये जो डेटा आपका मतलब कि लेता है तो कहाँ से लेता है? आपकी जो सारा कुछ स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से करते हैं? सेल्स से रिगार्डिंग उनका अगर मतलब कि कोई भी एक्टिविटीज को आपके डाटा को स्टोर करना है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आप कौन से चीज को परचेस कर रहे हैं इसको ई-कॉमर्स साइट पर, कौन से चीज को रिटर्न कर रहे हैं और कौन सी ब्रांड आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन्स आप कौन से पेमेंट से पेमेंट कर रहे हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल कोई भी मोबाइल वॉलेट या फिर बैंकिंग जो कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बताऊं तो मार्केटिंग डेटा, मार्केटिंग डेटा क्या है कि कस्टमर सेल्स फैक्शन मतलब जो आपको सेल्स फैक्शन डेटा मतलब जो आपको आपने लाइक एक लैपटॉप डिवाइस को ऑर्डर किया किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर, तो वो क्या करते हैं कि आप जब सर्च करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको चार्जर दिखाते हैं, आपको हेडफोन दिखाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मतलब कि कीबोर्ड दिखाते हैं, माउस दिखाते हैं। क्यों? आपने तो वो सर्च नहीं किया, आपने तो ऐसे पर से लैपटॉप पे सर्च किया था, तो ये क्यों दिखाते हैं? ये आपको मतलब कि ये जो बिहेवियर है आपका, इससे स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद क्या करते हैं कि मतलब आप अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो हो सकता है आप एक माउस ले ले, हो सकता है चार्जर भी ले ले उसके साथ साथ, हो सकता है एक कीबोर्ड भी ले ले। ऐसे करके तो रिलेशनशिप मतलब कि डिजिटली क्रिएट किया जाता है, सजेस्ट करते। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट मतलब कि जो टाइप्स की मैं बातें किया था वो है कोलाबरेटिव सीआरएम। कोलाबरेटिव सीआरएम क्या है? इसे हम मल्टीपल यूज कह सकते हैं कि मल्टीपल यूज के लिए है और सब फील्ड में मतलब कि डाटा को एक्सेस एक्सेस करते हैं और इसे मतलब कि स्टेटिक्स सीआरएम भी कहा जाता है। ओके, जैसे कि मैं अगर बात बताऊं कि मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीपल मींस क्या है, ये कोलैबोरेटिव सीआरएम मल्टीपल कौन सी टीम के साथ ऐसा काम करते हैं, तो टीम की बात अगर बोलूं, आपके पास अगर एक ही कंपनी से एक ही प्लेटफॉर्म है तो ये क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल मतलब आपकी जो मार्केटिंग टीम है, आपकी जो सेल्स टीम है, आपकी जो सपोर्ट टीम है, आपकी जो टेक्निकल टीम है, सबके साथ एक साथ मतलब कि एक काम कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कोलैबोरेटिव सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, ये और ये टू टाइप्स का होता है, इसका भी टाइप्स टू टाइप्स होता है। वो टाइप्स क्या क्या है? इंटरेक्शन मैनेजमेंट पहला जो टाइप्स है, इंटरेक्शन मैनेजमेंट है, और दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है? चैनल मैनेजमेंट। इंटरेक्शन मैनेजमेंट क्या है कि कस्टमर ने हमारे साथ एक कस्टमर ने हमारे साथ एक प्रोडक्ट के लिए कौन सी वजह से मतलब कि कौन से माध्यम से हमारे साथ कांटेक्ट किया था, लाइक वो कांटेक्ट मेल हो सकता है, वो फोन नंबर हो सकता है, या फिर अदर्स व्हाट्सएप हो सकता है, या फिर सोशल नेटवर्क हो सकता है, कोई भी अदर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो किससे कांटेक्ट किया था और उस कस्टमर को हम दोबारा से मतलब कि किसके थ्रू, किस कांटेक्ट के थ्रू उसके साथ मार्केट कैंपेन के लिए या फिर उसके साथ रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए, कौन से कॉन्टैक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करें। और जो चैनल मैनेजमेंट है, ये क्या करते हैं कि मीडिया पर आपका मेल या फिर मेल प्रेफर आप कह सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट प्रेफर, थोड़ा मीडिया लाइक चैनल्स मीन्स मीडिया से सोशल मीडिया भी हो सकते हैं, अदर्स मीडिया मतलब कि जो आजकल टीवी मीडिया भी है, मतलब कि आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट जो प्रेफर है उसको देकर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर आप मेल को देकर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों टाइप्स जो मैं बता रहा था अब तक की। ओके सॉरी, एक मिनट दोस्तों। यस, जो मैं बता रहा था एक्चुअली टाइप्स बता रहा था सीआरएम की, और सीआरएम मींस
आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर उन डेस्क को समझना है कि असल में ये प्रोडक्ट है क्या और किस तरीके से काम करते हैं, ये प्रोडक्ट हम जैसे जानते हैं क्या ऐसे ही है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि लॉजिकली अगर मोरली अगर फंडामेंटली अगर वो डेस्क को समझना है तो हमको पहले ही समझना है कि ये CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि वो डेस्क जो हमारा प्रोडक्ट है यही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, ये क्या करते हैं, वन सेंटेंस, ये क्या करते हैं कि आपकी कंपनीज या फिर आपकी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग कस्टमर के डाटा को मतलब कि एनालिसिस करने के लिए ये एक माध्यम है। आप अगर इसको लेते हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गूगल कंपनी जैसा, एप्पल कंपनी जैसा, फेसबुक कंपनी जैसा, या फिर अमेजन की जैसा, या फिर अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जितने भी बिगेस्ट बिगेस्ट कंपनी है जो कि आज के डेट पर यूज करते हैं ये टूल्स अदर्स किसी कंपनी का, तो आपको भी करना है, तभी आप उनके जैसा, जैसे फेसबुक पर आप कोई भी वीडियोस देखकर छोड़ देते हैं, लाइक वो सीधा आपको सजेस्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस आपको भेजता है, कैसे भेजता है, थिंक करिए कैसे, यही प्रोडक्ट्स के जरिए आपकी यही डाटा रीड करके, यही बिहेवियर को देखते, और यही है हमारा ओडेक्स। तो दोस्तों ये छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ओके, हमारा ओडेक्स एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है और हाई प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, हाई प्रोफेशनल। नमस्कार सर सभी को, जैसे कि आज का ओडेक्स के बारे में जो बताया जा रहा है, आप सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर है सर। सर जो ओडेक्स के बारे में आज जो बताया जा रहा है बहुत अच्छा है, मैंने इसको 2021 में इसको फिल किया था सारा, तो आज मैंने ये प्रोग्राम होने से पहले मैंने इसको खोल करके देखा है, और अभी भी जो मेरे पास दिख रहा है वहां पर सारी डिटेल्स आ रही है, वो कंपनी की डिटेल्स आ रही है वहां पर, 1200-1500 लोगों को तरह के वहां पर सिस्टम दिखाया हुआ है, जैसे कि मैं पढ़कर बता रहा हूँ, पहला है होलिस्टिक थेरेपिस्ट 1252 एक्टिव, कमला मिश्रा 1252 ऑन पैसिव, ये इस तरह की बहुत सारी डिटेल आई है, या 10 तरह से दिखाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको नेक्स्ट देख करते जाएंगे, ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, मॉडिफाई अब्बास बाइक इंश्योरेंस, ऑल टाइप इंश्योरेंस, सारी सारी डिटेल आ रही है सर, इसके बारे में बताइए वो क्या चीज है। रेहान जी ओके, रेहान सर नहीं है तो हाँ सर बताइए आप, ये क्या चीज डिटेल आ रही है इसमें, ये क्या चीज है कि ये कस्टमर के डेटा है एक्चुअली, जो एक्टिविटीज आपकी कंपनी के साथ घटेगा, आपकी ऑर्गेनाइज के साथ घटेगा, तो ये इन सारा जो डेटाबेस है एक्टिविटीज की रिगार्डिंग, कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इंटरनेट के साथ क्या बिहेवियर है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं एक पर्सन एक कस्टमर, कौन सी रिगार्डिंग चीज को सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ डेटा एनालिसिस है, और इसको हिसाब से इसे हमें अगर समझना है तो ऐसे ही तो आम आदमी इसे समझ नहीं पाता है सर, क्योंकि मतलब कि इसके रिगार्डिंग कोर्स करना पड़ता है, ओके तो कोर्स अगर हम करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि असल में ये जो डाटा एनालिसिस है और ये जो हम बिजनेस ग्रो करेंगे ऑटोमेशन के तौर पर, कौन सी मतलब कि मार्केट कैंपेन, कौन सी सेल्स, या फिर कौन सी कस्टमर केयर के लिए कौन सी मोटिव अभी के लिए बेटर रहेगा, ये सारा कुछ एक्टिविटीज जानने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है कि हमें कोर्स करना पड़ता है, लेकिन ऑन पैसिव जो देने वाला है पहले यश सर बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, ओके, और ये जो दिख रहा है अभी के लिए ये कुछ नहीं है, ये बस सिंपल सा एक डेमो है, सिंपल सा डेमो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डेटा आपको दिख रहा है बाबा, और डेटा के रिगार्डिंग जिसको आपको परमिशन देना होता है, बहुत सारा परमिशन वहां पर देखेंगे कि एक्टिव 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 करके लिखा है कि ये सारा कुछ आपका परमिशन है जो आप दिए हुए रखे है कि ये दिए हुए नहीं एकदम लिखा है, यस जी यस बिल्कुल, जो जो इनएक्टिव लिखा हुआ है सर यहाँ पर, जो इनएक्टिव है उसको भी इनएक्टिव करना पड़ता है, तो ये कैसे करके इसके रिगार्डिंग में कोई बात नहीं, मतलब कि नेक्स्ट टाइम हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे, और जब वो डेट लाइव हो जाएगा तो तब मतलब कि हम प्राइवेट सेशन के साथ साथ ऐसे करके फीसर की रिगार्डिंग तो हम बातें करते रहेंगे, तो तब सारा कुछ मुझे लगता है आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ओके सर, ये चीज बताइए, थैंक यू वेरी मच, बताइए सर ये चीज बताइए, ये जो डिटेल आई है वो कहाँ से आई है इसमें हमारे सिस्टम में, ये कंपनी ने दिया है किसने दिया है?
ये अभी के लिए डेमो के लिए कंपनी ने दिया है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने जो फॉर्म फिल अप किए है वो अभी के लिए मतलब कि आपकी नहीं है, इसलिए डोमेन से आप होस्टिंग नहीं कर पा रहे, ये होस्टिंग की जैसा है। एक डोमेन को एक लाइक आप जब डोमेन लेंगे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का या फिर किसी भी बिजनेस की रिगार्डिंग, उस डोमेन को एक तरह से होस्टिंग करने की जैसा है, आप समझ लीजिए। ओके, तो आपका जो डोमेन नहीं है फिर भी आप एक्सेस कर रखा है, ये जो डेमो आपको दिया गया है ये कंपनी की तरफ से डेमो की दर पर दिया गया है। ठीक, वेरी गुड। मैंने आज खोल करके देखा तो मेरे को सारी चीजें इसमें दिखाई दी है।